हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो काफ़ी सारे आपके कमेंट आ चुके हैं जहां पर आपने हॉलीवुड बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री से लेके तमिल तेलुगु गुजराती मराठी बंगाली और काफ़ी सारी फिल्मों के लिए कमेंट किया है कि कब इन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा। वो सारे कमेंट तुम्हारे भाई पढ़ चुका है, जिनमें से काफ़ी सारी फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है और काफ़ी सारी नई नई अपडेट निकल के आ चुकी है। अब ये कौन कौन सी डेट होने वाली है उन सब की बात करेंगे इसी वीडियो में, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिन देरी किए। दोस्त सबसे पहले बात करूंगा, देखो जो होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, ये फिल्म आपको कब तक देखने मिलेगी। तो इस फिल्म को जो बताया गया वो बताया गया 22 जून को ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म की गई थी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और खुद ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से ये गलती से रिवील भी हो गया था, जो अभी तक पूरी तरीके से देखो इसका टीजर ट्रेलर तो अभी आया नहीं, लेकिन हाँ जल्दी आ जाएगा क्योंकि 22 जून आने में भी अभी काफी दिन है। दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली चंद्रमुखी, चंद्रमुखी मराठी मूवी है जो कि स्टोरी मूवी होने वाली और इसके लिए काफी सारे कमेंट आए। तो आपको बता दूं भाई, देखो अमेजन प्राइम पर ये स्ट्रीम कर दी गई है बट ये आपको रेंट पर मिल रही है 129 यानी कि 129 के रेंट पर। अभी अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, वरना 15 दिन बाद तो सब्सक्रिप्शन वालों के लिए फ्री ही हो जाएगी। दोस्तों बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली विक्रम, जो कि तमिल इंडस्ट्री की वन ऑफ द मास एंटरटेनमेंट मूवी है और इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। और हाल फिलहाल में देखो सिनेमा घरों में इससे ज़्यादा अच्छा रन कोई भी नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस फिल्म ने यूं ही 200 करोड़ के आसपास यूं ही पहुंच गई, यूं ही वन वीक के अंदर ही अच्छी खासी कमाई ये कर चुकी है। और आपको बता दूं यार, अभी तो पूरा एक ही वीक के अंदर इस फिल्म ने धुआंधार कमाई कर ली है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसका OTT रिलीज मांग रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं, इस फिल्म को जो रिलीज़ किया जाएगा वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया जाएगा, जिसे सारी ही भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा। और ये कब तक देखने को मिलने वाली है, तो ये फिल्म आपको 5 अगस्त को देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दोस्त वहीं बात करूंगा रावण, जो कि एक बंगाली मूवी है जो कि 29 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज की गई, इसके लिए भी काफी सारे कमेंट कर रहे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई जो भी बंगाली मूवी देखना पसंद करते हैं। तो आपको बता दूं हाल फिलहाल में इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना वो G5 पर रिलीज किया जाना, जो 17 जून को रिलीज किया जाएगा, जिसका ट्रेलर अभी तक नहीं आया लेकिन जल्दी आ जाएगा, नहीं आया तो अपडेट तो तुम्हारा भाई दे ही देगा इसका भी। बात करें नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है जयेश भाई जोरदार, जिसके लिए अब भी कमेंट आ रहे हैं, हालांकि ये अमेजोन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है बट भाई ये भी रेंट पर है। भाई जयेश भाई जोरदार भी रेंट पर है, ये सुन के मुझे भी काफी ज्यादा हंसी आई है क्योंकि फिल्म का देखो कॉन्सेप्ट अच्छा है, बायकॉट बॉलीवुड की वजह से ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी सिनेमाघरों में, लेकिन अब ये अब फ्री में कब तक देखने को मिल पाएगी। तो यार ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इसे 15 दिन बाद ही अमेजोन प्राइम पर फ्री सब्सक्रिप्शन वालों के लिए कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मेहते बाबू, जिसे 9 जून को चौपाल पर रिलीज करना था बट आपको बता दूं चौपाल ने यार पता नहीं क्या डिसीजन ले लिया, सारी ही सारी जितनी फिल्में और सीरीज थी सब कमिंग सून कर दी हैं, यानी कि वो डिले कर दी हैं। तो मेहते बापू है ना आपको जून के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जून के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। यार देखो मुझे भी ये देखनी थी फिल्म, जो कि कॉमेडी ड्रामा थी, काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी कॉमेडी से और परमिश मरवा का तो तुम्हारा भाई दीवाना है ही है। तो ये फिल्म भी आपको जून के एंड तक देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट कभी भी अगर कंफर्म होती है तो तुम्हारा भाई है ना अपडेट देने के लिए। नेक्स्ट फिल्म होने वाली आचार्य, आचार्य के बारे में काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसे हिंदी में कब तक देख पाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं देखो मार्केट में इसका फैन डबिंग प्रिंट चल रहा है, जो अच्छा खासा डबिंग है, हाँ ठीक ठाक आप कह सकते हो, अच्छी खासी फिल्म समझ में आ जाएगी, लेकिन कहीं पर देखो भाषा जो है ना, जो आवाज़ है वो मैच नहीं कर पाती है यार हीरो की आवाज़ से, तो वो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है। वरना अगर आप इसका ऑफिशियल हिंदी में देखने का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अब से लगभग 3 महीने रुकना होगा, जो फिल्म आपको गोल्ड पर ही देखने को मिल पाएगी, यानी कि गोल्डमाइन टीवी पर। अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो उसके लिए लगभग 6 महीने रुक जाओ मेरे भाइयों। तो नेक्स्ट फिल्म होने वाली चल मेरा पुत्र 2, जिनके लिए काफी बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है और इसके लिए काफी सारे कमेंट रोज ही आते हैं। दोस्तों तो आपको बता दूं चल मेरा पुत्र 2 कब तक रिलीज हो पाएगी, तो आपको बता दूं भाई चल मेरा पुत्र 2 अब आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पर, जो आपको सोनी लिप पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको मिलेगी एंड ऑफ जुलाई में। अब ये क्यों मिलेगी, क्योंकि चल मेरा पुत्र 2 ना जहां जहां पर रिलीज नहीं होती वहां वहां पर रिलीज हो चुकी है दोस्तों। तो चल मेरा पुत्र 2 वाले के लिए ये काफी बड़ी गुड न्यूज होने वाली है। बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है शिकारी, शिकारी पंजाबी सीरीज होने वाली है और शिकारी का ये सीजन 2 होने वाला है और इस सीरीज के लिए भी काफी सारे कमेंट आए हैं। तो आपको बता दूं पहले जो ये सीरीज थी ना वो जून के एंड तक ही रिलीज कर दी जाती, लेकिन चौपाल ने सारे शो अपने ना डिले कर दिए। तो मैं आपको बता दूं ये सीरीज अगर आपको जून के एंड में देखने को मिल गई तो आप खुश नसीब हो, वरना तो ये आपको जुलाई के मिड में ही देखने को मिल पाएगी। दोस्तों नेक्स्ट फिल्म होने वाली है धर्म, नेक्स्ट फिल्म होने वाली है सर सेनापति हंबीर राव, जो की मराठी मूवी और हाल फिलहाल में सिनेमाघरों में अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, जबकि इसका दूसरा वीक चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यार इसने अपने पहले वीक की ताबड़तोड़ कमाई कर दी और
बताया जा रहा है मराठी मूवी है ना ये, मराठी बाहुबली है। जी हाँ दोस्तों, जिसका कॉन्सेप्ट हर किसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसके लिए काफ़ी सारे मेरे भाई दोस्त OTT अपडेट मांग रहे थे। तो आपको बता दो, इस फिल्म को जो रिलीज़ किया जाएगा वो Amazon प्राइम पर रिलीज़ किया जाएगा, जिसे 29 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा Amazon प्राइम पर, जो आपको रेंट पर देखने को मिल जाए। वरना आप खाली सब्सक्रिप्शन में देखना चाहते हो तो 1 महीने और इंतजार करना होगा, Amazon प्राइम पर इसे फ्री कर दिया जाएगा स्ट्रीम। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई से 29 अगस्त तक आ जाएगा तब तक, वरना तो रेंट पर आपको मैं बता चुका हूँ 29 जुलाई को ये आपको देखने को मिल जाएगी। बात करूँगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है शूटर, जो कि पंजाबी, इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट रोज ही आते हैं मेरे भाई दोस्त, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब है मेरी जितनी पंजाबी भाई दोस्त हैं। तो आपको बता दूँ भाई, शूटर फिल्म का ना मैंने कहाँ से कहाँ तक सर्च मारा, कितनी अपडेट निकाली, काफ़ी कुछ निकाला मैंने, लेकिन इसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा ना, सबसे पहले भाई तुम्हारा एक अलग ही वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट फिल्म होने वाली है नायिका देवी, जो कि गुजराती मूवी और ये हिस्टोरिकल ड्रामा है, और इस फिल्म के लिए काफ़ी सारे लोग देखो कमेंट कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन मैं इसकी अपडेट ढूंढ रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। फाइनली इसका जो अपडेट है वो निकल के आ चुका है। तो आपको बता दूं, Amazon प्राइम पर ये फिल्म जल्दी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको 1 जुलाई को Amazon प्राइम पर देखने को मिलने वाली है, बट ये भी आपको रेंट पर देखने को मिलने वाली है। अगर आप इसे भी ना फ्री में देखना चाहते हो, यानी सब्सक्रिप्शन वाले Amazon प्राइम के, तो उसे आप देख पाओगे करीबन 15 से 30 दिन के बाद। जी हाँ दोस्तों, 15 से 30 दिन के बाद ही फ्री कर दिया जाता है, हर कोई जानता है वैसे तो। बात करूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली मेरे देश की धरती, और जिसके अंदर आपके मुन्ना भैया यानी कि देवेंद्र शर्मा नजर आए थे, और इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट देखो रोज आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मुन्ना भैया के जितने भी डाई हार्ड फैन है ना, वो इसके लिए कमेंट करते हैं। तो भाई देखो, इसके लिए मैं काफ़ी दिनों और काफी बार, एक बार मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था इसका कोई भी अपडेट नहीं निकला, लेकिन उसके बाद मैं सर्च कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, हर एक प्लेटफॉर्म पर जाके उसकी लिस्ट चेक कर रहा हूं। तो आपको बता दूं, मेरे देश की धरती के लिए ना अभी तक कोई प्लेटफॉर्म बिट ही नहीं कर रहा है। जी हां दोस्तों, बिट ही नहीं कर रहा है। तो ये रिलीज कहां होगी वो मैं नहीं बता सकता, यानी कि इसकी कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसे इसकी कोई नई अपडेट निकल के आती है या किसी भी तरीके की इससे जुड़ी अपडेट निकल के आती है, तुम्हारा भाई इसके लिए भी एक अलग ही सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करने वाला है चैनल पर। कमेंट किया है खतरा डेंजरस के लिए, जो कि रामू गोपाल शर्मा की एक अडल्ट मूवी है, जो कि रोमांटिक ड्रामा आप कह सकते हो, लेकिन भाई इसके अंदर इतने चुम्मा चाटे, इतने खतरनाक सीन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। इसके लिए देखो काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि पोस्टपोन हो जाती है हर बार सिनेमा घर में। भाई सिनेमा वाले ही नहीं कर रहे, सेंसर ही नहीं कर रहा, क्योंकि इतने जबरदस्त इसके अंदर सीन दिए गए। तो इसे कब रिलीज किया जाएगा, तो सबसे पहले बता दो, इसे ना डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म स्पार्क पर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी अभी तक अपडेट निकल गई है कि इस फिल्म को अभी यानी कि 24 जून को स्पार्क के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो जिस भी मेरे भाई ने ये किया था ना क्वेश्चन, उसकी कंफर्मेशन पूरी तरीके से हो गई होगी ना। नेक्स्ट फिल्म होने वाली पृथ्वीराज, जो कि हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म होने वाली अक्षय कुमार की। ये फिल्म काफी सारे लोग देखो सिनेमा घर में जाके देख के आ चुके हैं, और काफी तो OTT पे ही देखना चाहते हैं। तो जो भी OTT पे देखना चाहता है उनके लिए देखो काफी अच्छी खासी न्यूज निकल के आ चुकी है। आपको बता दूं, पृथ्वीराज जो है ना वो यशराज प्रोडक्शन की है, जो कि पहले Amazon प्राइम पर 1 महीने बाद रिलीज कर दी जाती थी, बट ये जब तक की जाती थी जब तक कोरोना चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद भाई देखो फिल्म पर डिपेंड हो गया कि फिल्म कब तक रिलीज की जाएगी। तो पहले जो इसकी रिलीज डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 29 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई, जो अब प्रीपोन हो चुकी है। तो आपको बता दो, अब ये इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा वो 8 जुलाई को रिलीज किया जाएगा Amazon प्राइम पे दोस्तों, यानी कि जो इसका टाइम था वो घट चुका है, क्योंकि आप तो जानते हो सिनेमाघरों में ये रन नहीं कर रही है। तो पृथ्वीराज वालों को ये डेट पता चल गई होगी, अगर पता चल चुकी है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन जितने भी मेरे भाई दोस्तों के अभी कमेंट रह गए, क्वेश्चन रह गए, मैं कोशिश करूंगा उन पर भी रिसर्च और जो भी अपडेट निकल सके निकालूंगा, जिनकी भी कंफर्मेशन डेट आई है वो मैं जरूर बताऊंगा। तो निराश मत होना, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कमेंट लेने वाला है तुम्हारा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।